नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरोला के नेशनल हाईवे 24 पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी दफ्तर के सामने कुछ दबंग लोगों ने निजी बस में लाठी डंडे से तोड़फोड़ कर दी, जिसमें दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि पूरा मामला नेशनल हाईवे 24 का है, जहां पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी दफ्तर के सामने रात्रि के लगभग 11 बजे दिल्ली की दिशा से आ रही एक निजी बस में आगे चल रही दूसरी निजी बस को रुकवाकर उसमें सवार दबंग लोगों ने यात्रियों से भरी बस में लाठी डंडे व होकियों से तोड़फोड़ कर दी, जिसमें बस में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस ड्राइवर आरिफ ने बताया कि लगभग 100 से ज्यादा सवारियों को लादकर पंजाब से हरदोई ले जाया जा रहा था। अचानक आगे चल रही निजी बस में सवार दबंग लोगों ने उतरकर बस में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने अगली बस से पिछली बस में बार बार जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें बैठे यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो गए और चीख पुकार मच गई। गजरोला थाना क्षेत्र में ये कुछ न्यूज चैनल में जो समाचार चल रहा है कि बदमाशों ने बस पर हमला किया है, उसके सही तथ्य इस प्रकार हैं। एक जो शाहिल ट्रेवल्स है इसका और एक दूसरे ट्रांसपोर्टर का जो कि बस थी, ये दिल्ली से बिहार जा रही थी, HR 63D8849, इनका आपसी विवाद है, जिसमें साहिल ट्रेवल्स के कुछ युवक पिठोर से बस में चढ़े और गजरोला में वहां ड्राइवर और इस बस संचालकों पर उन्होंने मारपीट की है। जो सवारी है उसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है, तत्काल चौकी इंचार्ज की तरफ से ही मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है, क्योंकि दोनों ट्रेवलर्स ने रात में आपस में समझौता होने के बाद संज्ञान में आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभियोग पंजीकृत करके और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के पास मोलापीरगढ़ की रहने वाली 70 वर्षीय महिला बिरमो देवी आज मुन्नी देवी सरकारी अस्पताल में टीका लगवाने के लिए जा रही, आरोपी के रास्ते में किसी अज्ञात शख्स ने उनको बहला फुसला कर कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई और उस अज्ञात ने उनके जेवरात निकाल लिए और फरार हो गए, जहां बेहोशी की हालत में कुंदन इंटर कॉलेज के पीछे छोड़कर वह फरार हो गए। इस मामले की जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने टीपी नगर चौकी को जानकारी दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को चिकित्सालय भर्ती कराया। मुझे वैक्सीन लगवाने गई थी मुन्नी देवी अस्पताल में। कब? सुबह 9 बजे घर से निकली थी। पौने 10 बजे कॉटन वेस्ट के कारखाने में काम करता हूँ, तो बेहोशी की हालत में मिली मुझे। कहाँ पर मिली? कुंदन कॉलेज के पीछे। कुंदन कॉलेज के पीछे, कल्याणपुर रोड पे? नहीं, कुंदन कॉलेज के पीछे। अच्छा, तो जो है आपकी माता जी का नाम क्या? बिरमो देवी। कितनी उम्र होगी उनकी? लगभग 70 साल। वैक्सीन लगवाने के बाद मिली है ये हालत में? ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था उन्होंने, तो कॉन्टैक्ट नंबर लेने गई थी घर से। तुम्हारे पास आ रही थी जी? किसी ने पकाए में आ गई कि कॉन्टैक्ट आप, मैं अपने लड़के से ले आऊंगी, यहीं काम करता पीछे। क्या मतलब इनके पास से ले लिया? इनके साथ कानों के कुंडले सोने के, पैरों की बोई बजे चैने। कुछ और? कुछ फिलहाल तो दो ही चीज़ें बताई हैं जी अब तक होश में, मतलब उठाया ने तो कहीं मेरे कुंडल और चैने गायब हो गई, ले गया वो ठग था कोई। हाँ जी। अमरोहा में इलाज में लापरवाही के आरोपों से घिरा यशदान नर्सिंग होम पर अधिकारी भी मेहरबान नजर आ रहे हैं। अंदर से दरवाजा बंद करके यशदान नर्सिंग होम के कर्मचारी मरीजों का इलाज करने में लगे हैं। बताते चले कि बीते दिन गांव फूलपुर निवासी भीमसेन पुत्र जयलाल को इलाज में लापरवाही के चलते मौत हो गई थी, जहां गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया, जहां पर पहुंची CEO श्रेष्ठा ठाकुर ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। वहीं परिजनों ने कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई के नाम पर अमरोहा से अधिकारी तो आए, लेकिन यशदान नर्सिंग होम में नाश्ता पानी करके चलते बने। अधिकारियों के इस रवैये से नर्सिंग होम के संचालकों के हौसले बुलंद हैं और नर्सिंग होम का दरवाजा बंद कर अंदर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।